नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत संसदीय समितियों पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो संसदीय समितियां हैं। बेसिकली संसद के अंतर्गत जो भी कार्यवाहियां होती हैं, जो भी विधान बनाए जाते हैं, इसके सहयोग के लिए और इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए ताकि उसकी बारीकियों पर चर्चा किया जाए, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो है संसदीय समितियों की व्यवस्था की गई है। अर्थात संसदीय समितियों को बनाए जाने का उद्देश्य ये है कि ये विशेषज्ञता के सिद्धांत पर काम करती हैं और संसद में जो भी प्रस्ताव और विधेयक रखे जाते हैं उन विधेयक के विभिन्न प्रकार के पक्षों और खंडों पर बहुत ही बारीकी से चर्चा करती हैं और उन बिंदुओं को पॉइंट आउट करती हैं जो कि उसमें कमियां परिलक्षित होती हैं या जो उसमें सुधार की संभावनाएँ होती हैं। क्योंकि संसद में जो भी सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं, वे ना तो उतना विशेषज्ञ होते हैं और ना ही उतना उनके पास समय होता है। इसलिए जो संसदीय समितियां बनाई जाती हैं वो विभिन्न प्रकार के विषयों से संबंधित होती हैं और उन समितियों में उन विषयों से संबंधित जानकार को नियुक्त किया जाता है या मनोनीत किया जाता है। तो इस तरीके से ये समितियाँ जो हैं वो संसद में प्रस्तुत होने वाले विभिन्न प्रकार के विधेयकों की बारीकियों पर चर्चा करके एक बेहतर निष्कर्ष निकालती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं और उसके आधार पर निर्णय संसद के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इसके पूर्व में प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, इसी तरीके से और भी स्टैंडिंग कमेटी होती हैं जिसे स्थायी समिति को कहा जाता है। तीन महत्वपूर्ण समितियां हैं। तो इस तरीके से समितियों की जो पृष्ठभूमि है वो इसी से संबंधित है कि ये विशेषज्ञता के आधार पर काम करती हैं और जिन कार्यों के लिए गठित की जाती हैं उन कार्यों पर ये डेडिकेटेड होकर काम करती हैं और अपना रिपोर्ट सदन को प्रस्तुत करती हैं। तो आइए हम लोग संसदीय समितियों पर चर्चा करते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार की समितियां गठित हैं, उसमें कहां से सदस्य आते हैं, उनकी क्या क्या कार्य हैं। तो बेसिकली संसदीय समितियों को अगर देखा जाए तो दो भागों में बांटा गया है। एक अस्थाई समिति है, अस्थाई समिति है, और दूसरा जो है वो तदर्थ, दूसरा जो है वो तदर्थ है। तदर्थ अपने स्वरूप में अस्थाई प्रकार का होता है और ये एडहॉक जिसको कहा जाता है और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद ये समाप्त हो जाता है। जबकि अस्थाई समितियां प्रत्येक स्थिति में और प्रत्येक दशा में बनाई जाती हैं और इनके रेगुलर कार्य होते हैं, उन कार्यों के संदर्भ में इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं जो रेगुलर करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग सदन को करते हैं। इसमें तीन लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और इसी तरीके से सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति होती है। यहां पर जो तदर्थ समिति है वो मूल रूप में दो प्रकार से होती है। एक जो है वो जांच समितियां होती हैं, जांच समिति, और दूसरा है सलाहकारी समिति। सलाहकारी समिति, सलाहकारी समितियों में भी जो है प्रवर समिति और संयुक्त प्रवर समिति ये बनाई जाती हैं। मतलब सेलेक्ट, उसका मतलब होता है कि सेलेक्ट कमेटी एंड ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी, जो कि कुछ विशेष प्रकार के कार्यों के लिए गठित की जाती है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये समाप्त हो जाती है। क्योंकि इसका स्वरूप जो है ये तदर्थ के अंतर्गत आती है और इसमें जांच समितियां और सलाहकारी समितियां मुख्य रूप से होती हैं और ये समितियां अस्थाई प्रकार की होती हैं और ये हमेशा से जो है बनी होती हैं और प्रत्येक स्थिति में अपने कार्यों का निष्पादन करती हैं। तो ये समितियों की जो है, संसदीय समितियों के अंतर्गत जो है ये इसके प्रकार हैं। अब हम एक एक करके इन समितियों के बारे में जो है अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति पर चर्चा करते हैं।
सीएसी यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो है 1921 में इसकी स्थापना की गई थी। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं और ये जो है 15+7 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। इनका जो चयन है, इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या व्यवस्था है, इसे हम राष्ट्रपति के चुनाव में देख चुके हैं। तो इनका जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर चुनाव होता है और इनका कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष होता है। कार्यकाल निश्चित है, सभी का 1 वर्ष होता है यहाँ पे। और इसके अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। और 1967 इस संदर्भ में 1967 से परंपरा रही है कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल से लिया जाता है और नियुक्त किया जाता है। बेसिकली लोक लेखा समिति अपने नेचर में विभिन्न प्रकार के व्यय के संदर्भ में जो एजी की सीएजी की रिपोर्ट होती है उसकी जांच करता है। तो ऐसी स्थिति में माना जाता है कि जो पार्टी और उसके नेतृत्व में विभिन्न प्रकार के विभागों में खर्च हो रहे हैं, अगर वही पार्टी उसकी जांच करेगी तो निश्चित तौर पर वह बहुत निष्पक्ष नहीं हो सकती। ऐसी स्थिति में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के जो किसी नेता को बनाया जाता है और ये माना जाता है कि उस व्यक्ति के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो भी व्यय होंगे उससे संबंधित एजी की रिपोर्ट की जांच वो स्पष्ट रूप से निष्पक्ष रूप से कर पाएगा, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों और भावनाओं के अनुरूप जनता के जो है धन का सदुपयोग हो पाएगा या सदुपयोग होना सुनिश्चित हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में 1967 से ये जो है परंपरा बनी रही है। तो ये थी लोक लेखा समिति के संदर्भ में जो है एक संरचना। अब लोक लेखा समिति का जो है कार्य हम लोग देखेंगे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लोक लेखा समिति क्या कार्य करती है और कार्य के संदर्भ में परीक्षा में पूछा भी जाता है। तो लोक लेखा समिति विभिन्न प्रकार के व्यय से संबंधित सीएजी के लेखों की जांच करती है, यानी कि जो भी सरकार के बजट होते हैं और खर्च होने के बाद उसकी अकाउंटिंग की जाती है और उस अकाउंटिंग के बाद जो रिपोर्ट आती है वो सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और उसकी जो है सीएजी जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्टिंग करता है और राष्ट्रपति सदन में रखते हैं और पुनः जो है लोक लेखा समिति उसकी जांच करती है। कहने का मतलब अगर इसको व्यवहारिक रूप में समझा जाए तो हम अगर नीचे से चले तो कोई सरकार का एक जो विभाग है या कार्यालय है इसने जो भी खर्चे किए इसकी रिपोर्टिंग इन्होंने किया एजी को, क्योंकि इसकी रिपोर्टिंग ये स्टेट लेवल पे इसकी रिपोर्टिंग जो है वो एजी को कर रहे हैं। ये सभी एजी मिलकर के सीएजी को कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर सीएजी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। जैसे यहां पे भी एजी होंगे क्योंकि अलग अलग राज्यों में एजी हैं और ये सभी लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं सीएजी को। और सीएजी ये सारे रिपोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रेसिडेंट को। राष्ट्रपति को जो है यहां पर प्रेसिडेंट को, ये सारे लोग जो है अपनी रिपोर्टिंग किसको कर रहे हैं, प्रेसिडेंट को कर रहे हैं। और पुनः इसे जो है पार्लियामेंट में इसे राष्ट्रपति के द्वारा रखा जा रहा है और देन इसकी जो है ऑडिट जो है पीएसी के द्वारा किया जा रहा है। मींस विभाग ने खर्च किया, जो भी बजट इसको 1 अप्रैल को प्राप्त हुआ और जो खर्च कर रहा है कि हमने कितना कितना कहां पे खर्च किया, कितना बजट हमारे पास है, इसकी अकाउंटिंग यानी कि लेखांकन की प्रक्रिया ये एजी के पास भेज रहा है। एजी इन सभी जो है लेखों का
सीएजी के पास भेज रहा है और सीएजी विभिन्न प्रकार के राज्यों के एजी से जो रिपोर्ट प्राप्त कर रहा है, जो लेखा प्राप्त कर रहा है, उसका कंपाइलेशन करता है और प्रेसिडेंट को यानी कि भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इसे पार्लियामेंट में रखा जाता है और देन इसके बाद जो है पीएसी यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इस लेखों की जांच करती है और यह स्पष्ट करती है कि क्या वास्तव में धन जिन मदों के लिए खर्च करना था, जिन मदों को आवंटित किया गया था उन्हीं मद पर खर्च किया गया है, उसी अथॉरिटी के द्वारा खर्च किया गया है और उन्हीं नियमों के अंतर्गत खर्च किया गया है जो उस बजट को खर्च करने के लिए बनाए गए थे। तो इस तरीके से विभाग एजी सीएजी प्रेसिडेंट पार्लियामेंट और पीएसी इन माध्यमों से जो है अकाउंटिंग का कंपाइलेशन होता है और पूरा लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और यदि इसकी जांच में कोई खामी पाई जाती है तो वहां पर वह सरकार से प्रश्न पूछा जाता है और ऐसी स्थिति में सरकार की स्थिति जो है असहज होती है और इन असहज स्थितियों से बचने के लिए सरकार हमेशा अपने विभाग अपने अधिकारियों के ऊपर इस तरीके से नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करता है जिससे किसी भी प्रकार से जो है जनता के धन का दुरुपयोग ना होने पाए। तो ये स्थिति है, ये कार्य है लोक लेखा समिति का। तो लोक लेखा समिति विभिन्न प्रकार के जो बजट के व्यय के संदर्भ में जो भी लेखांकन होता है और इस संदर्भ में जो एजी की रिपोर्ट होता है उसके लेखों की जांच करता है और इसके अलावा वह विभिन्न प्रकार के व्यापार निगम और निर्माण निगम और इसी तरीके से जो भी अन्य निगम हैं उनके खर्चों के संदर्भ में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है। इसके अलावा ऑटोनोमस या सेमी ऑटोनोमस जिसे स्वायत्त या अर्ध स्वायत्त निकायों के संदर्भ में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करता है और समय समय पर ऐसे लेखों की भी जांच करता है जिसे एजी जो है अपने लेखांकन में संकलित करता है और उसकी जांच इनके द्वारा किया जाता है। अपने जांच की प्रक्रिया में पीएसी के द्वारा इस बात को सुनिश्चित किया जाता है कि वित्तीय औचित्य के मानकों का अनुपालन हुआ है या नहीं। वित्तीय औचित्य के मानक में इस बात को देखा जाता है कि जिन मदों के संदर्भ में उस बजट का आवंटन किया गया था या प्रावधान किया गया था वास्तव में उसी मद पर वह बजट खर्च हुआ है, उसी अथॉरिटी के द्वारा खर्च किया गया है और उन नियमों का अनुपालन किया गया है जो वित्तीय औचित्य के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरीके से लोक लेखा समिति सरकार के विभिन्न प्रकार के खर्चों के संदर्भ में एजी के द्वारा संकलित किए गए लेखों का परीक्षण किया जाता है और इस बात का सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि धन का सही जगहों पे खर्च हो। तो ये लोक लेखा समिति का काम है। दूसरा है प्राक्कलन। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति यानी कि आकलन समिति एस्टीमेट कमेटी, इसमें एस्टीमेट किया जाता है। किस चीज का एस्टीमेट किया जाता है? विभिन्न प्रकार के खर्चों के संदर्भ में जो भी विभिन्न प्रकार के विभाग मंत्रालय परियोजनाओं पर जो है आकलन अनुमान व्यक्त किए जाते हैं और उससे संबंधित अनुदान की मांगे रखी जाती है जिसके आधार पर बजट का निर्माण होता है वो इसका कार्य होता है। इसकी भी स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1921 ईस्वी में किया गया था। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये 30ों की 30ों सदस्य जो है वो लोकसभा से लिए जाते हैं। इसका जो अध्यक्ष है वो पार्टी का ही होता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर इनका भी चुनाव किया जाता है। इनका भी कार्यकाल एक वर्ष होता है। तो इस तरीके से इसकी संरचना जो है ये रही। और अगर कार्य पर हम लोग देखें इसका कार्य, तो विभिन्न प्रकार के विभागों और मंत्रालयों से जो अनुदान की मांगे आती है, अनुदान की मांगों का तात्पर्य वो क्या खर्च करने वाले हैं उसके संदर्भ में जो मांगे रखी जाती है उन मांगों का परीक्षण करना और उनके प्राकलन का परीक्षण करके इस बात को स्पष्ट करना कि क्या वास्तव में जो मांगे वो रखे हैं वो मांगे उनके कार्य के अनुरूप है या नहीं या उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है। तो इस तरीके से उनके मांगों का परीक्षण करते हैं, बजट के सही प्रारूप का निर्माण करते हैं,
बजट में निर्भयता को सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं और बजट को प्रस्तुत करने में ही अपना सहयोग देते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जहां पर प्राकलन समिति बजट बनने और पारित होने के पूर्व की प्रक्रिया पर बल देता है, वहीं पर जो है लोक लेखा समिति बजट के खर्च होने के बाद उन खर्चों के लेखों की सीएजी द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट की जांच करता है कि क्या वास्तव में वो सही था या नहीं था। तो इस तरीके से एक बजट पारित होने के पूर्व और एक बजट के पारित होने के बाद की जो है भूमिका का निर्वहन करता है। तो ये कार्य मूल रूप से जो प्राकलन समिति होता है। यहाँ पर जो भी बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं उसके संदर्भ में एक अवधारणा और एक कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने की जरूरत है। बाकी किताबों में काफी कुछ चीजें लिखी हुई हैं, पॉइंट वाइज कार्य भी लिखे गए हैं, लेकिन यहां पर एक अवधारणा और कॉन्सेप्ट को समझना आवश्यक है। अगला है सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति। कृष्ण मेनन समिति की संस्तुति के आधार पर 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। सार्वजनिक उपक्रम विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में विकास की गति को तीव्र देने के लिए कुछ विशेष प्रकार की स्वायत्तता के साथ जो है उपक्रमों की जो स्थापना की गई है, सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना की गई है। इस तरीके से NTPC है, BSNL है, MTNL है, ONGC है, कोल इंडिया लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, भारी हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो इस तरीके से उपक्रमों की स्थापना की गई है और उन उपक्रमों के लेखों की भी जांच की जाती है। तो उसी के लिए जो है सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति बनाई गई है और ये भी समिति जो है लोक लेखा समिति की तरह से ही कार्य करती है, बशर्ते ये सार्वजनिक उपक्रमों के संदर्भ में काम करती है। तो 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें भी 22 सदस्य होते हैं और ये जो है 15 और प्लस 7 यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बने होते हैं। इनकी भी नियुक्ति एक वर्ष के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है और इनके अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। और ये समिति जो है सार्वजनिक उपक्रमों के संदर्भ में जो सीएजी की रिपोर्ट होती है लेखों की, उसकी जांच करता है। कहने का मतलब अगर इसके हम कार्य को देखने का प्रयास करें तो इसका कार्य जो है सार्वजनिक उपक्रमों के संदर्भ में सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे यानी कि अकाउंट्स की जो जांच सार्वजनिक उपक्रमों की समिति द्वारा किया जाता है, यानी कि सार्वजनिक उपक्रमों के जो लेखे होते हैं उस वर्ष के उसका कंपाइलेशन सीएजी के द्वारा किया जाता है और उसको प्रस्तुत करने के बाद उन लेखों की जांच जो है वो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के द्वारा किया जाता है। एक कार्य हो गया। दूसरा कार्य यह है कि क्या सार्वजनिक उपक्रम जो भी कार्य किया है वो व्यवसायिक सिद्धांतों के अनुरूप किया है क्या नहीं, इस बात की भी जांच करने का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति के द्वारा किया जाता है। अगला, ऐसे कार्य जिसे लोक लेखा समिति या प्राकलन समिति के द्वारा छोड़ दिया गया है या उसके अतिरिक्त कार्य बचता है या इन समितियों के द्वारा सुपुर्द किया जाता है, उन कार्यों को भी निष्पादित करने का कार्य सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित समिति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार की समितियां हैं, ये विशेषज्ञता के आधार पर सामान्यतः बनाई जाती हैं और अपने उसी आधार पर ये काम करती हैं। संसद सदस्यों के पास विशेष योग्यता और समय के अभाव में उनकी मदद करती हैं ताकि विभिन्न प्रकार के विषयों पर एक स्पष्ट स्थिति बाहर निकल करके आ सके और उसके अनुरूप संसद में कोई निर्णय लिया जा सके, प्रस्ताव और विधेयक को पारित किया जा सके। तो इस तरीके से विभिन्न प्रकार के अस्थाई समितियों पर हम लोगों ने चर्चा किया। इन समितियों के अलावा संसद में और भी कुछ समितियां बनाई जाती हैं, जैसे कार्य मंत्रणा समिति। कार्य मंत्रणा समिति ये जो है विभिन्न सदन में जो है
विभिन्न प्रकार के जो है विषयों की सूची और समय इत्यादि का निर्धारण करते हैं। इसमें लोग अध्यक्ष सहित जो है 15 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष इसका लोकसभा का अध्यक्ष ही होते हैं। इसी तरीके से नियम समिति होते हैं। नियम समिति संसदीय नियमावली इत्यादि के प्रारूप तैयार करने से संबंधित होता है, उसमें परिवर्तन करने इत्यादि से संबंधित कार्यों का निष्पादन करता है। और इसमें भी जो है 15 ही सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। और इसका इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ही इसके जो है अध्यक्ष होते हैं। इसके भी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और इसके भी अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। कुछ समितियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इन समितियों में एक प्रवृत्ति या एक ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए हम उस ट्रेंड के अनुरूप जो है इन समितियों का जो है उल्लेख कर रहे हैं, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और आपके पास एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाएगा। नियम समिति, कार्य मंत्रालय समिति, नियम समिति और सामान्य प्रयोजन संबंधी समिति, ये तीन ऐसी जो समितियां हैं, इन तीनों ही समितियों में जो है 15 सदस्य होते हैं और इन तीनों समितियों के अध्यक्ष जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं। इसलिए इन तीनों समितियों को एक साथ करके हमने देखा है। अगली एक समिति है अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति। अधीनस्थ विधायन का क्या तात्पर्य है? संसदीय व्यवस्था और संविधान के जो है प्रावधानों के आलोक में संसद के द्वारा कुछ विषयों पर कानून निर्माण करने और विधि बनाने के लिए शक्ति जो है कार्यपालिका को दे दिया जाता है, उसे ही अधीनस्थ विधायन कहा जाता है। और अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति ये देखती है कि कार्यपालिका उन विषयों पर कहाँ तक जो है कानून बना रही है, क्या वह उसी प्रारूप पर कानून बना रही है, उसी सीमाओं के अनुरूप कानून बना रही है जैसा कि संसद के द्वारा उसको करने के लिए दिया गया था। तो अधीनस्थ विधायन का तात्पर्य होता है कि कुछ विषयों पर कानून बनाने की स्थिति विधान संसद के माध्यम से कार्यपालिका को दे दिया जाना। एक यहां पर प्रावधान है, इसको हम देख लेते हैं। एक अधीनस्थ विधायन होता है, एक जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, जिसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इसे कहा जाता है डेलीगेशन ऑफ पावर। तो ये दोनों में अंतर ये होता है कि यहां पर अधीनस्थ विधायन में कुछ अस्थायी किस्म की व्यवस्था होती है, जिसमें विधि बनाने या किसी विषय पर शासन करने की शक्ति जो है किसी अन्य व्यवस्था को या किसी अन्य निकाय को दिया जाता है, जैसे यहां पर संसद के द्वारा कार्यपालिका को दिया जाता है। लेकिन यहां पर अंतिम रूप से उत्तरदायी अपनी स्रोत संगठन ही होता है, यानी कि संसद होता है। लेकिन जहां पर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है, तो शक्ति स्पष्ट रूप से अस्थायी रूप से कुछ निकायों को दे दी जाती है और उस कार्य के लिए निकाय पूरी तरीके से स्वतंत्र होती है और उसके लिए पूरी तरीके से उत्तरदायी भी होती है। स्रोत संगठन या स्रोत निकाय उसके लिए उत्तरदायी नहीं होता है। तो यह अंतर होता है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यानी कि शक्तियों के विकेंद्रीकरण, और यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं अधीनस्थ विधायन के संदर्भ में। तो अधीनस्थ विधायन के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो अधीनस्थ विधायन हो गया, और अगला है गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित समिति। गैर सरकारी का तात्पर्य होता है कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो सरकारी सदस्य कहलाते हैं, और विधानमंडल के कोई भी सदस्य जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है वो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। तो इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प, इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए जो विधेयकों से संबंधित समिति होती है, इसके द्वारा उससे संदर्भ में जो है कार्य किया जाता है। और एक है सदन में अनुपस्थित
सदस्य, सदन में अनुपस्थित सदस्यों से संबंधित समिति। सदन में अनुपस्थित सदस्यों से संबंधित समिति होती है जो ये देखती है कि सदन में कौन से सदस्य उपस्थित हैं, कौन अनुपस्थित हैं, और अनुपस्थिति के संदर्भ में जो मानक निर्धारित किया गया है उसके अनुरूप कौन कौन के ऐसे सदस्य हैं जो उस दायरे में आते हैं, उनका रिकमेंडेशन भी किया जा सकता है और अध्यक्ष के द्वारा ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई भी किया जा सकता है, उसे डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। पूर्व में भी बताया गया है कि सत्र अगर रेगुलर चल रहा है तो लगातार 60 दिन तक अगर कोई भी सदस्य सदन में उपस्थित रहता है तो उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और यह कार्य सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से सदन में उपस्थिति से संबंधित सदस्यों की भी जो समिति होती है। इसी तरीके से सरकारी आश्वासन, सरकारी आश्वासन, सरकारी आश्वासन समिति चुनाव के दौरान और समय समय पर सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के आश्वासन दिए जाते रहे हैं जनहित के कल्याण के लिए, विभिन्न प्रकार के परियोजनाओं के निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए, रोजगार के लिए, इस तरीके से कई बार जो है सरकार के द्वारा आश्वासन दिया जाता है। ये समिति इस बात को देखती है कि सरकार के द्वारा जो आश्वासन दिए जा रहे हैं उन आश्वासनों में कितना आश्वासन पूरा किया गया है और कितना पूरा नहीं किया जा सका है। तो इस तरीके से इसमें भी जो है 15-15 सदस्य ही होते हैं। यहां 15-15 सदस्य होते हैं। अधीनस्थ विधायन संबंधी समिति और सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, ये एक प्रकार से है। गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित समिति और सदन में अनुपस्थित सदस्यों से संबंधित, ये केवल लोकसभा में, ये दो जो है केवल लोकसभा में होते हैं, केवल लोकसभा में होते हैं। राज्यसभा में गैर सरकारी सदस्यों से संबंधित और सदन में उपस्थित सदस्यों से संबंधित जो है समितियां नहीं होती हैं। यहां पर कार्य मंत्रणा समिति के द्वारा ही जो है वो कार्य देख लिया जाता है। तो इस तरीके से ये समिति सदन हुए। और इसके अलावा भी जो है, इसके अलावा यहां पर संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते से संबंधित समिति अगला है। संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित समिति, यहां पर भी जो है 15 सदस्य होते हैं। और अगला है संसद सदस्यों के वेतन भत्ते से संबंधित समिति, अगला है लाभ के पद, लाभ के पद से संबंधित समिति, इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। इसी तरीके से है याचिका समिति, और अगला है पटल, पटल पर पत्राचार समिति, अगला है एससी एंड एसटी कल्याण, कल्याण समिति, महिला सशक्तिकरण समिति, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण समिति, ग्रंथालय और आवास, आवास समिति। ये मुख्य रूप से कुछ समितियां हैं जिससे संदर्भ में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसके अलावा भी कुछ समितियां बनती हैं और हो सकती हैं, लेकिन सामान्य स्थिति में इससे संबंधित समिति होती है जो इनसे संबंधित मामलों को देखने का कार्य करती है। यहां पर भी 15 समिति सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। यहां पर कल्याण है, ये 30-30 होते हैं, इसमें 9 सदस्य होते हैं और यहां पर 12 सदस्य होते हैं। ये जो है 6+3 होते हैं।
तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा कि संसदीय समितियां जो एक स्थायी समिति होने के साथ साथ कुछ इस तरीके की भी समिति हमेशा से कार्य करते हैं और अपने विषयों से संबंधित कार्यों का संपादन और निष्पादन करने का प्रयास करते हैं। तो संसदीय समितियों के साथ साथ विभागीय समिति, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। संसदीय समितियों के साथ साथ जो है कुछ विभागीय समितियां होती हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। संसदीय समितियों के साथ में जो है विभागीय समितियां होती हैं और विभागीय समितियों की स्थापना लोकसभा नियमावली के जो है संस्तुति के आधार पर 1993 ईस्वी में लोकसभा नियमावली के संस्तुति पर 1993 ईस्वी में की गई थी और उस समय जो है 17 बनाया गया था। 2004 ईस्वी में इसमें कुछ और भी बनाए गए। में 17 समितियों को जो है बनाया गया था और 2004 ईस्वी में इसमें 7 और जो है समितियों को इसमें बना दिया गया। तो अब वर्तमान समय में कुल जो है यहां पर 24 जो है समिति हो गई। इन 24 सदस्य समितियों में से 16 लोकसभा से संबंधित है और 8 जो है वो राज्यसभा से संबंधित है। इनकी जो नियुक्ति होती है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा जो है इनका मनोनीत इनको किया जाता है और इनको सभी विभागीय समितियों को बनाए जाने का जो उद्देश्य है वो बेसिकली बजट पर प्रभावी रूप से चर्चा करना और कार्यपालिका के उत्तरदायित्व और जवाबदेही को सुनिश्चित करने में संसद का मदद करना है। क्योंकि यह हमेशा बताया गया है कि संसद के साथ में जो समितियां बनाई गई वो हमेशा विशेषज्ञता के आधार पर बनाई गई हैं और उनके द्वारा अपने सदन को उन विषयों पर सहयोग दिया जाता है जिन विषयों के लिए वो बनाई जाती हैं। तो इसका उद्देश्य अगर देखा जाए तो बजट पर प्रभावी चर्चा करना और लोकसभा और इसी तरीके से कार्यपालिका के उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने में संसद का मदद करना है। इसके अगर कार्य देखा जाए, इसके कार्य हैं जो है अनुदान की मांगों पर जो है अनुदान की जो मांगें प्रस्तुत की जाती हैं उसका बारीकी से जांच करना, परीक्षण करना होता है। यदि उसमें कोई कमियां होती तो इसे स्पष्ट करना, परिलक्षित करना। सदन में जो प्रस्तुत किए जाते हैं विधेयक उसकी जाँच करना और इसी तरीके से विभिन्न प्रकार के विभागों की वार्षिक जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच करना इसका काम होता है। इसकी अगर विशेषताएं देखी जाए तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसके सदस्य विशेषज्ञता के सिद्धांत पर काम करते हैं, बजट में भिन्नता लाने का कार्य करते हैं और ये पूर्वाग्रह से मुक्त होकर के काम करते हैं। क्योंकि इनका कार्य अपने सदन के लिए निष्ठापूर्वक काम करना होता है। ये राजनीतिक दलों से ऊपर उठ करके कार्य करते हैं ऐसा माना जाता है और ऐसा इनसे अपेक्षा किया जाता है। तो इस तरीके से विभागीय समितियां जो हैं 1993 ईस्वी में प्रारंभ की गई और 2004 ईस्वी में इसमें 7 और सदस्यों को बढ़ाया गया और पुनः इनकी जो नियुक्ति होती है सदस्यों की वो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसमें प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, इसमें प्रत्येक में 31 सदस्य होते हैं, 21 और प्लस 10, 21 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होते हैं। हमेशा लोकसभा के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जनता का सदन होता है। तो इस तरीके से विभागीय समितियों के बारे में एक विशेष व्याख्या हम लोगों ने देखा और आज के इस टॉपिक में हम लोगों ने संसदीय समिति और विभागीय समिति के बारे में चर्चा किया। उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से जो संसद में विभिन्न प्रकार की जो समितियां होती हैं उसके बारे में एक स्थिति स्पष्ट हुआ होगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। अगले जो है लेक्चर में हम संसदीय शासन प्रणाली के बचे हुए कुछ और बिंदुओं को और कुछ टॉपिक को जो स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तब तक अपनी तैयारी आगे बढ़ाएंगे और पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।